दोस्तों, अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह ऑयली है एंड आप ऐसा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो आपके स्किन को सूट करे, स्पेशली मार्केट में मैक्सिमम जो सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं एंड बहुत हैवी होते हैं, प्लस मैक्सिमम सनस्क्रीन वाइट कास्ट छोड़ता है, वो अलग से हमारे स्किन में इशू क्रिएट करता है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, इट इज़ लोटस हर्बल्स सन सेफ विटामिन सी मेट जेल डेली सनस्क्रीन। ये बना है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है देन डेफिनेटली इस सनस्क्रीन को आपको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, इसके अंदर कोई भी पैराबन नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, एंड ऑल्सो इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सो आपके स्किन में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इट इज़ एन इनविजिबल लाइट वेट नॉन स्टिकी मेट जेल फॉर्मूला सनस्क्रीन एंड इट इज़ ऑयल फ्री गाइज। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज यूज़ ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स। तो ये एक ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, इसके अंदर विटामिन सी का पावर है जो आपके स्किन को ग्लो देने में, ब्राइटन अप करने में, प्रोटेक्शन देने में बहुत मदद करता है। एंड ऑल्सो SPF 50 डाला गया है। आई ऑलवेज रिकमेंड SPF 50 से ऊपर वाला सनस्क्रीन, या फिर SPF 50 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आजकल की जो धूप, पॉल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स आउट देयर, प्लस अगर किचन में भी काम करते हो तो वहां पर भी हीट एक्सपोजर होता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन का, तभी SPF 30 टू 40 उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि SPF 50 एंड अप इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा बेटर होता है, आपके स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है एंड आपकी स्किन डैमेज से भी प्रोटेक्शन मिलती है आपको। इस सनस्क्रीन को आपको डेली लगानी चाहिए, ऑलमोस्ट सनस्क्रीन को आपको एवरी 2 आवर्स यूज़ करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन 100% प्रोटेक्शन मिल सके आपको। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो साथ में सनस्क्रीन कैरी किया कीजिए। इसकी टेक्सचर एकदम लाइट है एंड लगाते ही ना बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि आपने सनस्क्रीन अलग से लगाया है या फिर कुछ और प्रोडक्ट लगाया है। बहुत ही लाइट वेट है, लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है क्विकली एंड लगता ही नहीं कि मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाया है अपने स्किन के ऊपर। आप अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया, बॉडी एरिया पर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका सन एक्सपोजर होता है, तो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करें। फिर बाहर जाए या फिर घर पर भी रह रहे हैं तो भी आप लगाया करें, क्योंकि यूवी रेज तो अभी हर जगह ही है आपके स्किन को डैमेज करने के लिए। सो डेफिनेटली इसको 2 घंटे के बाद लगाया करें। एंड इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज़ ककडू प्लम एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। सो इसकी फ्रेग्रेंस बोलूँ या स्मेल बोलूँ, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग, एकदम फ्रेश ऑरेंज की तरह है, मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी तक का मेरा जो फेवरेट सनस्क्रीन है वो है लोटस हर्बल सन सेफ विटामिन सी मेट जेल। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो अभी तक मुझे एज सच कोई अच्छा सनस्क्रीन नहीं मिला था जो मेरी स्किन को सूट कर पाए, बट फाइनली दिस इज़ अ सनस्क्रीन जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। एंड डेफिनेटली गाइस, अगर आपकी स्किन टाइप मेरी तरह ही ऑयली है, एक्ने प्रोन है, देन डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये हर जगह पर अवेलेबल है, इनके वेबसाइट अवेलेबल है, अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप परचेज कर सकते हो। तो एक बार इसको इस्तेमाल करके मुझे अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, एंड डेफिनेटली आई विल शेयर योर रिव्यू विद माई फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।